नमस्कार दोस्तों, आपको मैं आज एक ऐसा वशीकरण टोटका बताने जा रहा हूँ जिसे करने से आप अपना खोया हुआ प्यार वापिस पा सकते हैं और अपने किसी दुश्मन को अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, यह सबसे शक्तिशाली टोटका है। दोस्तों, जो यह टोटका आपको बताने जा रहा हूँ, इससे पहले मैं आपसे विनती करता हूँ, इसका दुरुपयोग मत करना। यह टोटका तभी प्रयोग में लाएं जब आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। किसी को चोट पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने के इरादे से टोटके का इस्तेमाल न करें। तो दोस्तों, टोटका जानने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो कौन सा टोटका है, वो कौन सा उपाय मंत्र है जिसका प्रयोग करके हम कुछ ही मिनटों में किसी भी इंसान पर काबू पा सकते हैं। तो दोस्तों, पीपल वृक्ष के ताज़ा पत्ते आपने लेने हैं, दो पत्ते तोड़ने हैं। पत्ते जमीन से न उठाएं, नीचे गिरे हुए न उठाएं, पत्ते दोस्तों ताजे होने चाहिए। दोस्तों, इन दोनों पत्तों पर आप उस इंसान का नाम लिख दीजिए जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। दोस्तों, उसके बाद आपको 108 बार ओम वशीकरण कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का उन पत्तों के ऊपर जिस इंसान का नाम लिखा था उसका ध्यान करते हुए आपको इस मंत्र का जाप करना है। उसका नाम पीपल के पत्ते पर कपूर जलाने, कपूर की राख से ही लिखे दोस्तों, या पेन से मत लिखे। दोस्तों, उसके बाद एक पत्ते को आप उसी पेड़ के नीचे रख दें और उसके ऊपर कुछ बारी पत्थर रख दें ताकि वो पत्ता कहीं पर उड़े नहीं। और दोस्तों, दूसरा पत्ता आप अपने घर पर ले आएं, अपने घर की छत पर वो पत्ता रख दें और उसके ऊपर भी दोस्तों आप बारी पत्थर रख दें ताकि वो पत्ता कहीं पर उड़े नहीं। दोस्तों, प्रतिदिन आपको एक हफ्ते तक उस पीपल के पेड़ में पानी देना है और आप उन्हें ये प्रार्थना करनी है कि इस टोटके में मैं सफल हो जाऊं। तो दोस्तों, ऐसा करने से आप किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका प्यार आपसे रूठ गया है तो आप अपना प्यार वापस पा सकते हैं। अगर आप लड़के हैं, किसी लड़की को पसंद करते हैं, उसको वश में कर सकते हैं। अगर आपका दिल किसी शादीशुदा औरत पर आ गया है तो आप उसको वश में करके उससे प्यार कर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, अपनी पत्नी अपने पति को वश में करना चाहते हैं तो भी आप ये कर सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। टोटका करने से पहले एक बार हमारे दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करें। हमारी दूसरी वीडियो से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके दूसरी वीडियो तक भी पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हमारी आज की वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।